कथा का जो आज का एपिसोड था वो एक ऐसा एपिसोड था जिसका मैं पर्सनली काफी टाइम से वेट कर रहा था कि रच करेगा क्या। और मैं पर्सनली ये चाहता था कि भाई अब क्या होगा आगे, वियान के साथ क्या हो, क्या वियान बच पाएगा नहीं बच पाएगा, कथा के साथ क्या हो, युवराज के साथ क्या हो, युवराज की फैमिली के साथ क्या होगा, बस यही जानना था। एंड आज जब देखा तो एक तरीके से शॉक लगा, झटका लगा बहुत बड़ा कि वियान बिल्कुल मतलब ऐसा हो चुका कि उसको अब बचा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो बचेगा क्योंकि उसे के बलबूते पर शो चल रहा है, वो मरेगा नहीं, बचेगा। और वो बच के जब सामने आएगा तो तब क्या करेगा, क्या वो अपनी मौसी का, एक तरीके से मैं कहूँ कि मतलब ये है कि अनदेखा करेगा, उनके अगेंस्ट जाएगा, या उनको माफ कर देगा, या कुछ और कुछ थर्ड स्टेप उठाएगा, क्योंकि हसन ने क्लियरली बोल दिया है, बियान की मम्मी ने क्लियरली बोल दिया है, कथा भी कल क्लियरली बोल देगी। एक सब चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए अगेंस्ट में जाती, और अब अगेंस्ट में जा रही तो वो बंदी शांत नहीं बैठेगी, वो भी कुछ बड़ा बवाल मचाएगी। तो वो क्या करेगी, वो करेगी जो आई है, तो कहते कथा उसको जेल भिजवा दी। इसके बाद अब ग्रेवाल फैमिली में बड़ी हलचल मच जाएगी, अब क्या करें अब क्या करें। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि अब आगे से कहाँ से कहाँ, कैसे से कैसे कहानी पूरी बढ़ेगी, देखते हैं। लेकिन चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिस तरीके से कहानी चल रही है। बट आज का एपिसोड मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एपिसोड था, क्योंकि अब आज के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसी से कथा और ज्ञान की जो एक लव एंड केमिस्ट्री जो भी कहना वो कह लो, वो अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो वान्या है उसके साथ वियान की मम्मी की बॉन्डिंग बनेगी, उनको अब उसको अपनाएंगी, क्योंकि बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था और बी पॉजिटिव ब्लड वान्या का, वो बिना हिचकिचाए तुरंत भागी ब्लड दे। हमारा वान्या और एसएन के बीच में भी जो चल रहा है वो भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग कि वो दोनों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भाई बहन होंगे। ठीक है, अगर हम रिश्ते वाइज देखेंगे तो उसके बाद जो हमारा कथा का भाई है उसके साथ क्या होगा, युवराज के साथ, युवराज की बीवी ने जो किया उसका क्या होगा। ये सब चीजें ना आगे चल के शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली, और मैं उन सब चीजों को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसा शो मैं देख रहा हूँ जिसके आने वाले हर एक एपिसोड के लिए मेरे अंदर एक्साइटमेंट बना हुआ है। मेरा बस चले तो मैं इस शो को बिंज वॉच करो, अगर मेरे पास इसका एक्सेस होता भाई फ्यूचर के 90% एपिसोड्स। सीरियसली ये शो ऐसा है ही नहीं कि जिसको कोई छोड़ना चाहेगा या फिर ड्रॉप करना चाहेगा, ये ड्रॉप करने लायक है ही नहीं शो। ये इतना ज्यादा अमेजिंग शो है कि लोग इसको एक झलक में पसंद करेंगे। बट मुझे नहीं पता क्यों इस शो को लोग पसंद नहीं कर पा रहे, क्या है ऐसी प्रॉब्लम जो इस शो से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो सोनी पर आता है क्या, वो ये कारण है या फिर कोई और रीजन, पता नहीं। लेकिन ये शो बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने आप को एक वर्थी ओपोनेंट ये मतलब बता रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं तो कहते हैं जो अनुपमा है या फिर कोई किसी के प्यार में या फिर कोई और शो जो टॉप पे चल रहे उस टाइम पे, इस टाइम पर उन सब के ये कम्पीट करने के लिए बहुत ज्यादा वर्थ है। ये वर्थ है एक ऐसा शो जो देखने लायक है, टाइम है अगर आप इस शो में दे रहे हो तो वर्थ है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, नहीं, वो आपके बहुत ज्यादा काम का, आप उसको देखो तो आपको अच्छा लगेगा। और ऐसे शो बहुत कम बनते हैं। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है, क्या होता है कथा के साथ, वियान के साथ, वान्या के साथ, मौसी जी के साथ, नहीं बुआ जी के साथ, मौसियों की बुआ और बुआ जी के साथ, ठीक है। और फिर हमारी वान्या और एसएन की जो लव कहानी है उसके लेकिन क्या होगा, युवराज के साथ, पता, इन सब चीजों को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा का आज का एपिसोड कैसा लगा, आने वाले एपिसोड को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। प्लस इसी तरीके से कथा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी ले